छाती है। आपके अगले 2 माह की ट्यूशन फी, क्योंकि मैं बगैर नोटिस आपके ख्याल में मैं की बुक लिख रहा हूं। देखिए सर, मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए जरूर फिक्र रहा हूं और चाहता हूं कि वो एक ऐसे उस्ताद से जो उसके वक्त की कदर करे। अपने मम्मा को कब भेज रहे हो? मेरे पेपर्स आने वाले, मुझे नहीं देने एग्जाम्स। यार मैं भेज तो दूं, लेकिन मसला ये कि अम्मी मेरे गेम है शहर से बाहर। उस्ताद तकरीबन 2 महीने की गेम है ये। मैं ना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम अपने अम्मा अब्बा को मेरे घर भेजोगे? अब मेरे एग्जाम आने वाले, क्या करूं मैं? देखिए हम आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेके आए। अरे बच्चा तुम लोग बोर हो रहे हो, जाओ घूमो। बड़ा अच्छा सफारी है यहाँ पे, ऑस्ट्रिच भी है। अरे है भाई। हाँ हाँ जाओ भाई, घूम के जाओ। अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, तुम लोग जाओ। खैर स्ट्रेच, आपको पता है ऑस्ट्रेच जो है वो एक बड़ा बेनिफिशियल जानवर है, लेकिन तालीम की कमी की वजह से हम इसको वो मकाम नहीं दे पाए जिसका बनता था। तो बताए ऑस्ट्रिच जो है वो एक दफा में 65 एग्स देता है। यानी अगर फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑस्ट्रिच के साथ 4 फीमेल्स रखी जाएं, 4 × 65 = 260 एग्स, कैन यू इमेजिन? यानी कि 5 पेयर्स जो हैं उनसे प्रॉपर फार्मिंग की जा सकती है। अब बताए इसकी जो खाल है, जो इसके फर हैं, उससे पर्स बनते हैं। ऑस्ट्रिच गोश्त जो है ना वो गाय के गोश्त के मुकाबले बहुत कम फैट रखता है। इसके नाखून से मेडिसिन बनती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी जो आंख होती है ना वो मेडिकल के स्टूडेंट्स डिसेक्शन में यूज करते हैं। आप क्या जानती हैं ऑस्ट्रिच के बारे में? हाँ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी चोंच होती है इसकी। नाइस नाइस नाइस। कैमल, कैमल के बारे में आप क्या जानती हैं? ऊंट, ऊंट को सहरा का जहाज कहते हैं और ऊंट बगैर पानी पिए बहुत अरसे तक रह सकता है और बहुत लंबा होता है। वाओ अमेजिंग, क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी। जाहिर बात है आखिर आसमा गजनवी की कजन है आप। आसमा? आप आसमा को कैसे जानते हैं? अरे आसमा गजनवी को कौन नहीं जानता। मैं और वो एक ही कॉलेज में थे, मैं मेडिकल का स्टूडेंट था और वो आर्किटेक्ट पढ़ रही थी। एवरी ईयर वी वुड सिट ऑपोजिट टू ईच अदर चेस टूर्नामेंट में, हर दफा मुझे हरा देती। आप आसमा को इतना जानते हैं? हाँ बट यू नो वो काफी प्राउड है, आप बिल्कुल भी नहीं हैं। हालांकि यू आर मच प्रिटियर देन हर। थैंक यू, मुझे वैसे बहुत गर्मी लगी है, आई थिंक हमें चलना चाहिए। उसने सैंडविचेस भी बनाए, मुझे भूख लगी है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, आप भी आ जाए जल्दी से, आ जाए आज चलें। पापा आज भी मेरी है और कल भी मेरी ही रहेगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तुम पढ़ना नहीं चाहती ना? शादी करना चाहती हो? अगस्त से पहले शादी है। सच में? You know what? मामा का ख्याल था कि उस पनी की वजह से मैं कंपटीशन हार जाऊंगा, लेकिन पता क्या हुआ? I stood first in that competition because of that bunny. हमारी फैमिली लेगेसी है स्ट्रेट एज लेने की। My granddad, then my papa, and then I scored straight A's. मेरी wish है कि हमारा
बेटा भी। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, तनवी ने बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाए और मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चले चले चले। एक बात तो है, आज कमाल कर दिया तनवीर ने भाई, मजा आ गया। अरे आओ आओ बच्चों आ गए। इसका क्या कमाल, कमाल तो मेरा है, मैंने कुकिंग सिखाई है। होएगा होएगा क्या है? ये तो उनकी समझदारी है, वरना इन लोगों को क्या आता है। दावत का खाना पका रहा हूँ जी। हैं? इस वक्त? अब तो कोई टाइम ही नहीं बचा जी, मुझे याद ही नहीं था कि आज दावत है। अब जो भी पक रहा है ना वो बहुत जल्दबाजी में पक रहा है। अच्छा खाने के लिए क्या है? करेले हैं? चलो तुम मुझे सैंडविच बनाकर दो। जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास, खुद बना लें आप। क्या ऐसे बात करते हैं मेम साहब से? अब तुम मुझसे मांग लो जरा के सेट के पैसे। तो जी मैं आपसे ही मांगूंगा ना, आपको पता है एक घंटा है मेरे पास, एक घंटे के अंदर मैंने ये माश की दाल, फ्राई फिश, पुलाव, ये सब बना के कुछ भी करके ना मेज पे पहुंचाना है। आपको तो कुछ आता वाता है नहीं, वरना मैं आपसे ही कहता कुछ पका ही लेती आप। अच्छा अगर बनाना आता भी ना तो भी मैं बना ही ना लूं। हटो मुझे अपना सैंडविच बनाना है। और हाँ मुझे खाने पे बिल्कुल मत बुलाना, मेरा मूड बहुत ऑफ है अभी तो। लेकिन ठीक लग रहा है। हाँ लेकिन खाने के बाद खराब लग रहा। बहरो फूल बरसाओ, आपने देखा दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे, बड़ी अच्छी जोड़ी लग रही थी। हाँ लगता है लड़की को जुनेद पसंद आ गया। और जुनेद सारे रास्ते नॉनस्टॉप बोलता रहा, इसका मतलब है लड़की उसको बहुत ज्यादा पसंद है। होएगी? होएगी नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे का दिल टूटा था, आप नहीं जानते वो आसमा को जीतने की कोशिश करता रहा, जब नहीं जीत सका तो वो उससे मोहब्बत करने लगा और फिर वो उसकी फिक्शन बन गई। मुझे मालूम था कि वो सईद गजनवी की भांजी, मैंने तो सिर्फ मिलने का बहाना बनाया था, सिर्फ आसमा का नंबर लेने के लिए। और आसमा इतनी प्राउड, मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मैं आप लोगों की मेंटेलिटी पे हैरान हूं। और अब अगर उसी आसमा की कजन से जो उससे ज्यादा प्यारी है मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो आप जानते हैं मैंने आज तक उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझा। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? वैसे ये जुनेद के आसमा के बारे में ख्यालात तुम कैसे जानती हो? मैं उसकी माँ हूँ किदवाई साहब। वो किस कलर से पेंटिंग करता है और क्यों करता है, वो रात को किस करवट से सोता है, सुबह उठकर किस पांव में पहले जूता पहनता है, खाना खाते वक्त कितने बड़े निवाले खाता है, जब मैं ये सब कुछ जान सकती हूँ तो मैं ये क्यों नहीं जानूंगी कि उसके दिल में क्या है। अच्छा लो भाई मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं आता। ना जाने, मैं तो चाहती हूँ कि मैं उससे पहले पहले जुनेद की शादी कर दूं। लेकिन अभी तो लड़की पढ़ रही है। कदवाई साहब ये भी हमारी फैमिली लेगेसी है कि हमारे खानदान में कम पढ़ी लिखी बहुएं आती। लेट द लेगेसी कंटिन्यू। तू इतनी जल्दी हार मान लेगा? पहली बार किसी लड़की के साथ सीरियस हुआ है उसे हाथ से जाने देगा? भोगी क्या फायदा तेरी दौलत का, इतने बड़े कारोबार का, जब जिससे मोहब्बत की हो वो ही हाथ से चली जाए। याद रख भोगी,
चंद दिनों में उसकी शादी हो जाएगी और वो एक दिन तेरे शोरूम में गाड़ी खरीदने आएगी अपने मियाँ के साथ, जो उसको वो एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर रहा हूँ। तब तुझे एहसास होगा और ख्याल आएगा कि बेटा जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। उस दिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। फरवा आज भी मेरी है और कल भी मेरी ही रहेगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मोहब्बत की है गोगी ने, मजाक नहीं। शाबाश, कुछ तो असर हुआ मेरे लेक्चर का। शाबाश मेरे चीते। सईद साहब, खुशखबरी है, हमारा प्लान कामयाब हो गया। कौन सा प्लान? किदवाई साहब की बेगम अगस्त से पहले शादी करना चाहती है। हैं? वाकई? जी, उनका फोन आया था, कल शाम आएंगी रिश्ता पक्का करने के लिए। उठ गई मेरी चंदा। कल बहुत मजा आया ना? जुनेद से बहुत सी बातें हुई, अच्छा लड़का है। तुम पढ़ना नहीं चाहती ना? शादी करना चाहती हो? तुम बहुत लकी लड़की हो। शाम को आंटी किदवाई आ रही है तुम्हारी शादी की बात पक्की करने। अगस्त से पहले शादी है। सच में? इतना अच्छा, समझदार, पढ़ा लिखा लड़का, और घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, पास में ही तो रहते। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सादा दिल के लोगों की दुआ अल्लाह भैया जल्दी सुनते हैं। मेरी बेटी सादा दिल की अच्छी सी बच्ची है ना, तुम अब अच्छे से तैयार हो जाना। शाम को आंटी आएंगी, बात पक्की करेंगी, और हो सकता है कि मम्मी भी इसी हफ्ते कर दे। चलो मैं बाहर जाके कुछ शाम की तैयारी को देखो। जी ठीक है। तुम क्यों मुझे अपनी मजबूरी बता रहे थे? चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे जैसे जाहिल मैट्रिक बार बार फेल आदमी से पट जाऊं, हैं? लंबी लंबी मुलाकातें करूं? आइंदा फोन करने की जरूरत नहीं है, सुना? चल रख फोन। बिला वजह अपने माँ बाप का पैसा और वक्त जाया कर रही थी। सो सर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। सुनो तो सही, देखो जरा पानी के छींटे मारो मुंह के ऊपर, थोड़ा काम डाउन होकर मेरी बात तो सुनो। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगा यार, कसम से मरने वाला हो गया मैं। क्या मुसीबत है लीचड़ आदमी, हजार मरतबा बोला है ना नहीं बात करनी मुझे। बात सुनो, मैंने अम्मी जी से बात कर ली है, मैं उन्हें तुम्हारे घर भेजूंगा। हाँ कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ना मेरी शादी होने वाली है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। और शादी में किससे? डॉक्टर से। बहुत अच्छा है, हैंडसम है और लॉन्ग भी है। कह रही हो यार मैं तुमसे? हाँ, मैं तुम्हारी तरह ना चीटर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं फ्लर्ट व्लर्ट नहीं कर सकती। तुम क्यों मुझे अपनी मजबूरी बता रहे थे? चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे जैसे जाहिल मैट्रिक बार बार फेल आदमी से पट जाऊँ, हैं? लंबी लंबी मुलाकातें करूँ? आइंदा फोन करने की जरूरत नहीं है, सुना? चल रख फोन। हेलो पीच या फ्रूट कॉकटेल? मेरी कहाँ से दिल तोड़ने निकल पड़ी है यार। जब मुझे इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो मैं वेस्ट क्यों करूं?
इश्क भी तो तुमको याद आएंगी, वो बहारें वो समा, ओ हो ओ हो, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां, ओ हो ओ हो, कभी तो तुमको याद आएंगी, जितना तुमको अपना समझा। अभी से आ गए क्या? आज तो नहीं पढ़ना। मैं अपनी किताब छोड़ गया था, लेने आया हूँ। कौन सी किताब? Old Man and the Sea। मुझे क्या पता किस रंग की है, कितनी मोटी? फरवा बीबी से कह दो वो ला देगी। वो तो जी मसरूफ हैं। आप एक काम कीजिए ना, मेरे साथ अंदर चलिए, खुद ही ढूंढ कर ले आइए। आइए। ठीक है, चलो। कहाँ रह गया? चलो भाई आ जाओ। जुनेद। हाँ पापा, यू लुक गुड। मामा, माय प्रिटी मामा, हाउ कैन यू वेयर ब्लैक ज्वेलरी? बेटा मैंने मोनोटनी तोड़ने के लिए ब्लैक पहनी है। मामा मोनोटनी कुछ नहीं होता, कलर्स कंट्रास्ट कुछ नहीं है। व्हाइट इज द कलर, व्हाइट का जो ग्रैंडियर है, जो एलिगेंस है, हम वो किसी कलर में हो ही नहीं सकती। प्लीज मॉम, आइए ना, चेंज कराइए। अच्छा बेटा करती, चेंज करती हूँ मैं। सुनो, ये मेरी आंखों का रंग सियाह है ना, इसमें भी सफेद लेंस लगवा लूँ? पापा मजाक कर रहे हैं। अच्छा मैंने सोचा है कि आज मैं सारी बात कह दूंगी मंगनी की डेट पे। हाँ सब बातें जैसे वो कहें वैसे मान लेना। क्यों भाई, मैंने जो सोचा है वही कहूंगी और वही करूंगी। मामा आपको जो कहना होगा कह दीजिएगा, प्लीज अभी ज्वेलरी चेंज कर लें। वी वेटिंग फॉर यू। ओके आई पापा। ये क्या सफेद का चक्कर चला दिया यार तूने? पापा फिर चलें। अरे वाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी चंदा। माँ वैसे जुनेद इतना बुरा भी नहीं है। बुरा? मैं तो आज तक उससे अच्छे लड़के से मिली नहीं। इतना हैंडसम, एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड, इकलौता, इससे अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है? अच्छा सुनो, अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, वो लोग आने वाले होंगे। और मैं चाह रही हूँ कि जैसे वो हमसे इनफॉर्मल तरीके से पेश आ रहे हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे ही उनसे पेश आए। तो तुम बाहर आके उनको खुद रिसीव कर लेना। सही है। ठीक है, मैं जाके जल्दी से चेंज कर। जी जी चलो। हाँ
अच्छा हुआ आप आ गई, मेरा तो मसाला लग गया होगा, मैं जाऊं। किताब लेने आया था, अच्छा हुआ तुम आ गई। सर वो मैं कहीं जा रही हो? नहीं नहीं, वो मिसेस कदवाई है ना, उनका बेटा है डॉक्टर, तो तो तुम्हारा प्रपोजल आ रहा है? जी जी, बहुत अच्छा फैसला किया, बिला वजह अपने माँ बाप का पैसा और वक्त जाया कर रही थी। तो सर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। फरवा तुम्हारी शादी हो रही है और बीइंग योर एक्स टीचर मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं तुम्हें, जो भी फैसला करो अपने पैरों पे खड़े होकर करो, दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाने वाले कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं, निशाना भी खता हो जाता है और वो कंधा जो शायद सर टेक के रोने के काम आ सके उसे भी खोना पड़ता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड बाय। सारा मूड ऑफ कर दिया भाई। देखिए, पड़ोसियों को मिलते रहना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है, ये तो हमारी तहजीब का पुराना हिस्सा है। मुझे खाना बहुत अच्छा रहा और मुझे तो अब तक हैरत हो रही है कि ट्राइफल आपके कुक ने बनाया था, अनबिलीवेबल। खाना पकाने के साथ साथ गाना कितना अच्छा गाता जी वो क्या गाना था वो शाम कुछ अजीब थी भाई वाह वाह, मैं तो कहता हूँ पूरा गाना हो जाए जनाब। ये तो जी हमारे होम डिपार्टमेंट का काम है भाई, तुमने अपना टैलेंट इनसे अब तक छुपाया हुआ? अरे ऐसे ही कह रहे हैं ये। तुम क्यों उठ के आ गई? ऐसी बस फिश है के लिए। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बोर हो रहा था अंदर। कितना बुरा गाना गा रही है ना मामा, आई मीन बुरा गाती नहीं है लेकिन ये गाना बहुत बुरा है, डजंट मेक एनी सेंस। एक बात जो आप सीधा सीधा कह सकते हैं उसे कहने में इतना टाइम क्यों लिया जाए, टोटली इनसेन। रास्ता नहीं, चल पड़े पता नहीं, हाउ कैन यू लीव व्हेन यू डोंट इवन नो आपने जाना कहाँ है, इट्स टोटली रबिश। आई मीन जब आपको रास्ते का ही नहीं पता तो आप चल कैसे पड़े, कितनी डम बात है। हाँ अच्छा, डांस के बारे में क्या ख्याल है? डांस? डांस से तो कोई बुरी चीज हो ही नहीं सकती। और क्लासिकल डांस? क्लासिकल वो वाला एक्सक्यूज मी यार, क्लासिकल डांस से बुरी और चीज क्या हो सकती है? एक और क्लासिकल डांस तो बता, एक बाहरी चीज थी जिसमें मेरी और आसमा की ओपिनियन हमेशा एक होती थी। वो कहती थी कि व्हाट कुड बी वर्स देन अ क्लासिकल डांस शो, टू क्लासिकल डांस शो, माय गॉड, सीरियसली। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। तू मिल उससे। कैसे मिलूं, कह तो रहा हूं मुंह से फूट रहा हूं कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं मिल सकती वो। तू वो कर जैसे मैं तुझे कह रहा हूं। तुम ये वाला सेट लेना चाहोगी? ना पेंडू नहीं आना भाई उसने, गोगी सेल्फ रिस्पेक्ट, चल मेरी जान, लेट्स गो। क्या है गधे, मुंह तो बंद कर।